अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है और आपने 2023 की कुछ बेस्ट एक्शन मूवीज को मिस कर दी तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2023 की कमाल के एक्शन मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूं। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी मिस आउट किया हो तो एक बार उसे चेकआउट जरूर करना। तो आपका टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 5th नंबर पर है रेबेल मून पार्ट 1, जिसके डायरेक्टर जैक स्नाइडर हैं। अगर आप जैक स्नाइडर को नहीं जानते हैं तो उन्होंने वंडर वूमन, जस्टिस लीग, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी मूवीज बनाई है। तो अगर बात करें इस मूवी की तो एक मदर वर्ल्ड नाम का साम्राज्य है जो कि पूरी गैलेक्सी में राज कर रहा होता है। तो मदर वर्ल्ड के कुछ सैनिक एक प्लेनेट पर आते हैं कुछ किसानों के पास अनाज लेने के लिए। तभी उन किसानों को पता चलता है कि ये अनाज लेने के बाद हमें मार देंगे। तो उन लोगों के साथ छिपकर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कोरा होता है, जो पहले उसी मदर वर्ल्ड की सैनिक थी, वो उनसे लड़ने के लिए एक टीम बनाती है। तो कोरा अपनी टीम कैसे बनाती है और उनसे फाइट कैसे करती है तो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। मूवी में एक्शन सीन्स कमाल के हैं और साथ ही में वो स्पेस शिप स्पाइडर के साथ फाइट करना और वो बड़े वाले पक्षी पे सवारी करना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है और स्टोरी में कुछ नयापन नहीं लगता। कहीं ना कहीं ड्यून मूवी की वाइब आती है। ओवरऑल मूवी बढ़िया है। मूवी नेटफ्लिक्स पर 5.7 रेटिंग के साथ अवेलेबल है, एक बार इसे चेकआउट जरूर करना। तो 4th नंबर पर है एक्सट्रैक्शन 2, जो कि सेकंड पार्ट है 2020 में इसी नाम से रिलीज हुई मूवी का। बाय द वे अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो क्या करोगे तुम अगर तुम्हारी एक्स जीएफ या वाइफ, ओह सॉरी ब्रदर, तुम्हारे पास तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सो जोक्स अपार्ट, हाँ मालूम है मुझे, बहुत ही गंदा जोक था। तो अपनी लाइन में वापस आते हैं। तो टायलर की एक्स वाइफ, उसकी बहन और बच्चे, जो कि एक गैंगस्टर की वाइफ है, गैंगस्टर ने उसे वहां पर कैद करके रखा है तो उसे वहां से बचा कर लाना है। तो टायलर रेक अपनी टीम के साथ उसे वहां से कैसे निकालता है ये आपको मूवी में देखना पड़ेगा। मूवी में जो 20 मिनट वाला वन टेक शॉट बैक टू बैक जबरदस्त एक्शन के साथ फाइट सीन्स, जिसे देखने में काफी मजा भी आता है और वह कूल भी लगता है। तो यह मूवी 6.8 की तगड़ी रेटिंग के साथ हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर यह मूवी देखने में आपको मजा आया तो मैं एक मूवी और रिकमेंड कर रहा हूँ, यह भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में अवेलेबल है, इसका नाम है कार्टर। तो नेक्स्ट नंबर पर है शिशु, जो कि बहुत ही कमाल की आर रेटेड एक्शन मूवी है। 18 साल से कम वाले इस मूवी से दूर रहे। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी सेट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इसमें एक बूढ़े चीचा है, ओह सॉरी ये वाले नहीं ये वाले, वो मेहनत करके जमीन से सोना निकालते हैं, उसे बाहर निकाल करके वो शहर में ले जाकर उसे बेचने के लिए निकलते हैं। उसका सामना नाजीज यानी जो हिटलर की सेना होती है उससे होता है और वो लोग उसका सोना छीन लेते हैं। जब उन्होंने अपनी मौत को दावत दे ही दी है तो ये बूढ़े उनके गेंद को फाड़कर गोदाम कैसे बनाते हैं ये तो मूवी में देखिए। मूवी में जो ब्रूटल एक्शन सीन और उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका एकदम लाजवाब, और साथ ही में कई जगह इसके एक्शन सीन ओवरडोज टाइप के लग सकते हैं बट ओवरऑल मजा आएगा। मूवी 6.9 रेटिंग के साथ अमेज़न प्राइम पर हिंदी डब में अवेलेबल है, एक बार इसे चेकआउट जरूर करना। लिस्ट के सेकंड नंबर पर है डंजन्स एंड ड्रैगन, जो कि रिलीज हुई है 31 मार्च 2023 को। ये एकदम परफेक्ट एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। अगर ओवरऑल मूवी की स्टोरी की बात करें तो इर्गिन नाम का एक बंदा है जो कि चोर होता है और उसकी एक बेटी होती है कियारा। इसकी पूरी टीम होती है चोरी में इसका साथ देने वाली। तभी इसको एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। अब यह उस चीज को छुड़ाने की प्लानिंग बनाता है क्योंकि अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना चाहता है, लेकिन ये वहां जाकर अलग प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आगे इसके साथ क्या होता है ये तो आपको मूवी में देखना होगा। में बहुत ही बढ़िया करेक्टर डिजाइन की गई है, मतलब कोई भी करेक्टर आपको बोर नहीं करेगा। साथ ही में बढ़िया बढ़िया क्रिएचर देखने को मिलेंगे और वो स्टेडियम में पजल टाइप में सॉल्व करके सर्वाइव करने वाला मोमेंट, उसे देखकर मजा आएगा। बाकी इसमें किसिंग सीन वगैरह का मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि 7-8 महीना हो चुका है मुझे देखे हुए। तो इसी IMDb की तरफ से रेटिंग मिले हैं 7.3 out of 10 में। तो लिस्ट की फर्स्ट नंबर पर है मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकिंग पार्ट 1, जो कि फुली ताबड़तोड़ एक्शन थ्रिलर वाली टॉम क्रूज सर की कमाल की मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर मैक्वरी। और बाकी सब कुछ छोड़कर अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो इथन हंट आपने टॉम क्रूज भैया को एक मिशन दिया जाता है IMF की तरफ से, क्योंकि वो उसके एक स्पाई एजेंट है। उन्हें किसी चाबी के एक हिस्से को खतरनाक लोगों के हाथों में लगने से बचाना है। वो चाबी एक AI टूल को कंट्रोल करती है और वो AI टूल अनकंट्रोल हो चुका है, इसकी पावर के लिए पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। अब आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप मूवी में देखिए। मूवी में गली में वो फाइट वाला सीन एंड छोटी सी कार में कार चेंजिंग वाला सीन देखकर आपको मजा आ जाएगा और साथ ही में क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स जो कि इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे इस मूवी में किसिंग सीन्स वगैरह नहीं है तो आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो। यह मूवी हिंदी डब में अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, इसको रेटिंग मिले 7.8 out of 10 में। आज की वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।